हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितेश, आप देख रहे हैं डिजिया चार। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सैमसंग की तरफ से 15 फरवरी को एक स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, क्योंकि सैमसंग कह रहा है कि पहली बार हम एक बजट स्मार्टफोन में इतने सारे फीचर दे रहे हैं। दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F62 के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस मोबाइल का प्राइस कहा जा रहा है कि 20,000 से लेकर 25,000 तक रहेगा, और सैमसंग कह रहा है कि हम पहली बार ऐसे बजट स्मार्टफोन में एक पावरफुल प्रोसेसर डाल रहे हैं। दोस्तों, सैमसंग F41 में आपको एक्जिनोस का जो कि 98259 कोर का प्रोसेसर है, और ये प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G से थोड़ा अच्छा है। आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो कि मेन सेंसर 64MP का होगा और सेल्फी कैमरा 32MP का होगा। दोस्तों, इस मोबाइल में आपको बड़ा बैटरी देखने को मिलेगा 7000mAh का, 6.70 इंच का एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगा आपको, और इस मोबाइल में आपको 6GB RAM 128GB ROM देखने को मिलेगा। तो सैमसंग कह रहा है कि हम पहली बार ऐसे बजट स्मार्टफोन में इतने सारे अच्छे फीचर्स डाल रहे हैं, क्योंकि सैमसंग एक ब्रांड है तो वो इतने कम प्राइस में इतना कुछ अच्छा नहीं देता है। तो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 7000mAh बैटरी देखने को मिलेगा, 6.70 इंच का एमोलेड स्क्रीन देखने को मिलेगा, और एक्जिनोस का 9825 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और ये मोबाइल 15 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा।